हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था सीएसएस को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था कि स्टाइल टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था सीएसएस को लेके, और मैंने बताया था कैसे आप प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी जाती है, और प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ सीएसएस को कैसे हम यूज कर सकते हैं? क्या यही एक तरीका है कि आप टैग के साथ लिखें? क्योंकि ये तो हम एचटीएमएल में भी कर सकते हैं कि एचटीएमएल का जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, बट सीएसएस, जैसे मैंने कहा था कि इससे कोड हमारा रिड्यूस हो जाता है, पेज फास्टर लोड होता है। सो नाउ हम सीखने वाले हैं कि सीएसएस के डिफरेंट टाइप्स जो हैं, यानी कि हम सीएसएस को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ वी विल स्टडी सीएसएस जो है वो तीन तरीके से यूज किया जा सकता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टाइल सीट। ओके, एक्सटर्नल स्टाइल सीट में क्या होता है, हम एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाते हैं। ओके, जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सीएसएस फाइल होता है। डॉट सी एस एस फाइल यानी कि एक फाइल बनाएंगे और उसका एक्सटेंशन यानी कि उसको, जैसे हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल का नाम डॉट एस टी एम एल, इन अ सिमिलर मैनर उस फाइल को हम सेव करेंगे फाइल का नाम डॉट सी एस एस, एंड उस फाइल को हम इंक्लूड करते हैं एस टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर सेक्शन में विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। कौन सा टैग यूज करते हैं? लिंक टैग का यूज करते हैं। नाउ ये लिंक टैग जो है एक से ज़्यादा पेजेज में, यानी कि 10 पेज अगर हमारे पास एस टी एम एल के हैं, आपकी वेबसाइट बनाने में आपने 10 पेज बनाए हैं, उन सभी 10 पेज में हम इस फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक सी एस एस फाइल है और 10 पेजेज में सेम फाइल इंप्लीमेंट हो रही है, सब पे एक जैसा इफेक्ट आपको नजर आएगा। अगर एक सी एस एस फाइल में कोई कलर चेंज करेंगे तो वो 10 के 10 जो फाइल हैं आपकी उन सब में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बात होगी एक्सटर्नल स्टाइल सीट की। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है इंटरनल स्टाइल सीट का। इंटरनल स्टाइल सीट में हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं, और जो काम हम एक्सटर्नल फाइल बना रहे थे डॉट सी एस एस की, वो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग कहाँ लिखते हैं, हेडर सेक्शन के अंदर। फाइल का जो आपका एस टी एम एल में आप स्टार्टिंग में हेडर सेक्शन यूज करते हैं, वहाँ पे आप स्टाइल टैग का यूज करेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर आप क्या लिखेंगे, अपना एस टी जो सी एस एस कोड है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, जिसमें हम अलग से कोई सी एस एस फाइल बनाते हैं और उसको लिंक टैग की हेल्प से आप एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका इंटरनल सी एस एस हो गया, जिसे आप हेडर सेक्शन में स्टाइल टैग से लिखते हैं। थर्ड वन इज योर इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, जो कि मैंने अभी कल हम लोगों ने देखा था, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे आप स्टाइल टैग का यूज करके क्या कर रहे हैं, आप अपना सी एस एस कोड लिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस एस टी एम एल एलिमेंट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो यूज किया जाता है, जैसे पैराग्राफ में आपने यूज कर लिया स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसमें आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख दी सी एस एस की। ठीक है, तो ये आपके तीन तरीके हैं सी एस एस को यूज करने के। आज हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल की बात करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया, एक सेपरेट सी एस एस फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, कोई भी फाइल का नाम देंगे, और जैसे एक स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, और उस फाइल को हम यूज़ करेंगे हमारे एस टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। आप नोट पैड ओपन कर लेंगे, फाइन। नाउ नोट पैड पे आप ये जो कोड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। नाउ ये सब चीजें मैं समझाने वाला हूं, यहां पे डॉट क्या, डॉट रेड क्या है, डॉट थिक क्या है, और डॉट ग्रीन क्या है। ठीक है, ये क्लासेज होती हैं, और क्लास जो है सीएसएस में इसी तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, डॉट रेड क्लास हो गया, डॉट थिक क्लास हो गया, एंड डॉट ग्रीन क्लास हो गया, फाइन। तो तीन हमारे पास क्लास है, एंड क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब मैं सीएसएस
आगे हम जब थ्री टाइप्स के बाद जब सीएसएस को अच्छे से एलेबरेट करेंगे। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं एज पर योर सिलेबस। फाइन, तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम एक्सटर्नल सीएसएस की। तो फॉर एग्जांपल हमने तीन क्लास बनाई हैं सीएसएस के अंदर। डॉट से हम क्लास इनिशियलाइज करते हैं। डॉट रेड यानी कि रेड नाम की हमारी क्लास हो गई, डॉट थिक यानी कि थिक नाम से हमारी क्लास हो गई, और डॉट ग्रीन, यानी कि तीन क्लास हैं रेड थिक और ग्रीन। रेड कलर, रेड जो आपकी क्लास है उसमें हमने सिर्फ कलर मेंशन किया है कि कलर जो है वो रेड है। थिक में हमने साइज इंक्रीज किया है 20 पिक्सल, एंड ग्रीन में हमने कलर किया है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये हमारे तीन क्लासेस हमने बनाई हैं। नाउ इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव किस नाम से कर रहे हैं हम इसको? स्टाइल डॉट, ध्यान रहे HTML नहीं है ये, डॉट CSS फाइल है। फाइन, हमने इसको कर दिया डॉट CSS। तो ये हमारी एक फाइल हो गई है डॉट CSS फाइल। नाउ दूसरा क्या करेंगे हम, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें इस फाइल को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं ये एक HTML डॉक टाइप भी यूज कर सकती हूँ। HTML 5 में हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। एक और नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। फाइन, नाउ जो आपका नोटपैड है इसमें मैंने पेस्ट कर दिया ये कोड। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आप जो हम सीखना चाह रहे हैं। फाइन, मैंने कहा था कि आपको लिंक टैग का यूज करना है। किसका यूज करना है? लिंक टैग का। ओके, एक सेकेंड, ये बॉडी पार्ट हो गया आपका, और ये पैराग्राफ में हम लोगों ने क्लास को कॉल किया है। तीन पैराग्राफ हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, और ये आपका बॉडी पार्ट। ये सिंपल एक आपका प्रोग्राम हो गया। देखिए HTML हेड, हेडर सेक्शन में मैंने कहा था लिंक टैग को यूज करना है, तो लिंक, और लिंक का एट्रीब्यूट होता है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हमारा क्या है? स्टाइल सीट है, ध्यान रहे कॉपी पेस्ट किया है, तो आपको डबल कोट्स यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, ये डबल कोट्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं यहाँ पे। टाइप आपने लिख दिया कि आपका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट ओब्लिक CSS, यानी कि आप टाइप डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट ओब्लिक CSS। नाउ हाइपर रेफरेंस HREF, तो HREF क्या करेंगे, हमारी फाइल तो सेम जगह रखी है जहाँ पे हमारी फाइल रखी है, तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल मेरी फाइल का नाम लिखूंगा, और मेरी फाइल का नाम है स्टाइल डॉट CSS। तो मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट CSS। ये ध्यान रहे ये चेंज है आपके, हमने जो फाइल बनाई है और उसमें जो आपका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS हमारी फाइल है, एंड ये हाइपर रेफरेंस में हमने इसका पाथ दे दिया है। नाउ जो बॉडी पार्ट है उसमें देखिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट CSS जो फाइल थी उसमें हमने डॉट रेड करके बताया था, तो डॉट रेड है क्लास, उसको अगर हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यूज करेंगे क्लास इक्वल्स टू रेड, क्योंकि मैंने बताया था ये डॉट जो होता है वो क्लास को डिनोट करता है, तो हमने यहाँ पे रेड क्लास किया। तो रेड क्लास में जो भी प्रॉपर्टी आपने यूज की है, यानी कि सिर्फ कलर किया है, तो ये जो दिस इज रेड है ये रेड कलर का आना चाहिए। फाइन, थिक कलर में आपने साइज इंक्रीज की है, तो यानी कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। दिस इज थिक की साइज क्या होनी चाहिए? थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। और ये जो ग्रीन क्लास हमने यूज किया है इसकी जगह क्या आना चाहिए? कलर हमारा ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, और ये जो लास्ट वन है इसमें हमारा साइज भी इंक्रीज होना चाहिए और कलर भी ग्रीन हो जाना चाहिए। थिक एंड ग्रीन दोनों क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, थिक ग्रीन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। इस फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी HTML फाइल है, तो HTML फाइल को हम यूज करेंगे स्टाइल वन डॉट HTML। ठीक है, स्टाइल वन डॉट HTML। नाउ अगर मैं बात करूँ स्टाइल वन डॉट HTML को इम्प्लीमेंट करने की, तो देखिए इसको ओपन कर लेता हूँ मैं गूगल क्रोम के अंदर। हेयर इज योर रिजल्ट, आप देखिए रिजल्ट। ये सबसे पहले में हमने रेड क्लास को यूज किया, CSS फाइल से हमने उसको लिंक किया है।
दूसरे वाले में देखिए ये जो इसकी जो साइज़ है उससे ज़्यादा साइज होगी 20 पिक्सल। ये आपका ग्रीन है, दिस इज़ ग्रीन, ठीक है, एंड दिस इज़ थिक एंड ग्रीन। नाउ अगर आप इसमें चेंज करते हैं, CSS फाइल के अंदर अगर आप चेंज करते हैं कोई भी, ये जो आपकी style.css फाइल है इसके अंदर अगर आप कोई चेंज करते हैं, देखिए इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 20 को जो है 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने थिक क्लास को कॉल किया है वहाँ पे आपका क्या चेंज आएगा, जहाँ जहाँ पे थिक किया है उसकी साइज़ इंक्रीज होकर 60 हो जाएगी। देखिए दिस इज़ थिक एंड दिस इज़ थिक एंड ग्रीन। तो दिस इज़ द वे कि अगर आपने लिंक से इसको 10 पेजेस पे इम्प्लीमेंट किया है तो उन 10 पे जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CSS फाइल में चेंज कीजिए, उन सभी 10 पेजेज पे चेंज ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ योर कोड विल बी रिड्यूस, आपका कोड रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका जो एक तरीके से कोई भी एरर फाइंड आउट करना है या कोई लिटिल आपको चेंज करना है आपके प्रोग्राम में, आपकी वेबसाइट में, तो वो चेंज आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट था, ध्यान रखना है आपको जब भी आप इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले एक सेपरेट CSS फाइल बनाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है सेल्फ, और इसको .css से सेव करेंगे जैसे किया style.css, एंड इस style.css को जो हमारा style1.html फाइल है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ध्यान रखना है, लिंक टैग का यूज करना है, हाइपर रेफरेंस में इस फाइल का पाथ देना है style.css। ओके, उसके बाद जो CSS फाइल के अंदर जितनी भी क्लास या IDs आपने बनाई हैं उनको आप इस HTML फाइल में यूज कर सकते हैं, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, वॉट एवर, ठीक है, एंड उसका इम्पैक्ट आप अपने ब्राउजर पे देख पाएंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ यू इम्प्लीमेंट एक्सटर्नल CSS इन योर HTML पेज। सो होप आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट है लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।